यू ही बन गया कट रहा था इसने को पूछा भी ना था एक किला गया रोड खत्म है रात ने बनाया देख तर कोल तक निपट रहा यार खटारा सरकार अंडे सरकार हमारा नाश कर दिया सरकार बोनस लेने गई थी उड़ाई पास गए थे चंडीगढ़ जोड़ी करी थी एक रुपया दिया ये इसने कौन सी जो डिवाइन देता ना इसने के उड़न के बन जी सारे उड़न से काट दिया हमारा 4,500 जीरी पे क्या कर दी ना 2,000 पीट दी जीरी इन बरोदा कहना ना आंदा बरोदा कह बरोदा ने भी ना आंदी ने बेरा कोई ना बरोदा का अरे उन्होंने का बिल मैं बरोदा जीतूंगा खच्चर है यो बरोदा कह बरोदा ने सारे दर्शकों ने सुन वाली राम राम भाई कथुरा काम हाई रैली निबड़ी है बाकी पहली वीडियो आपने देख भी ली थी जो मैंने दिखाया था माहौल भाई कहाँ कहाँ तक गाड़ियां आ रही थी कोई कैथल आ रही थी कोई किसी तरह थी लेकिन गांव का मनस की भी इसका मैं थोड़ी सी राय जरूरी है अपना गला एक भाई है गांव को थोड़ा नाम के भाई का सोनू नाम है भाई सोनू नाम है भाई। तो मेरा भी नाम सोनू है भाई ठीक है मेरे तो भाई मैं न्यू पूछना चाहूँ कनरेली देखी है हाँ देखिए भाई तो मैं आपका गांव का के मोल था गांव के कितने बंदे थे कि कुछ था गांव का भाई बहुत कम आदमी थे बाहर आदमी आ रहे तकरीबन अरे गांव में तकरीबन भालू जीत का लकड़ा है अच्छा। या तो झूठी सरकार है पहले आता हम किसान गेर के पीटे इसने अच्छा। पिपड़ी लठ मारे ही मारे दाना पिटन ला रहे मंडी में गेर के दो दो हजार पिटे भाई कती ये मनोहर लाल खट्टर भी कहा था नहीं बोले पहले तो कहते थे भालू जीता का लेकिन भालू की जमानत जब्त कराऊंगे मैम नू तक बंडे कर सब के मैं करा के यो लड़िया कौन आ गया ना उड़े के बराबर में हाँ वो दारू देख बताना रहा दारू ठहरी उसकी गाड़ी में भाई आज ताऊ रुक जा ताऊ खट्टर सरकार ने नाश कर दिया हमारा कतियो जाड़ दिया खट्टर सरकार नाम कमाल नाम के भाई का अमित भाई तो मैं के लग गया था ना रैली का माहौल हल्का मैं भाई हमने तो एक यार दोस्त था उन्हें कही थी बोला भाई थोड़ी पब्लिक दिखानी है चलो आगे कोई दिक्कत नहीं भाई का मंदपुर है भाई मंदपुर गुआना दौर है हाँ मानू भाई तो ये यूनुका किसान खातर हमने बहुत कुछ कर दिया सिंपल यूनुका था ये कह रहा था खट्टर हमने कनेक्शन दिए अरे दिए तो है किसे किसान दो रहे आज बोर कराने का ब्योत है वो साल पाछा लिया छः महीने पाछा लिया मोटर यू तो पहले तो कनेक्शन की फीस फिर मोटर की फीस अरे किसी का ब्योत ना हो को आपस में ले देगा भी काम चलावा मोटर किसी का ब्योत है किसी का नहीं 15 लाख में टिब्बा लग गया भाई 15 लाख मार दो छोड़ दे कोई हमने तो कैरी का लखाना पड़े है दे ही 2,000 के बाद पिट रहे हमारे दान आज के दिन उड्डा सरकार में 4,500-5,000 बाद बिल्कुल मामला तो थोड़ा ब्याह छूच के में ब्याह जब भी कैरी का लखाना पड़े है अरे यू न्यू को है 10 साल ने बोला गाड़ा भूपेंद्र लूट का खाया गया बोले मैं गाड़ा लूट का खाया गया भूपेंद्र ने तो मार मौज कर दी पर अनरस बाया काट दिया दान वैन तो रोड रहा यू ही बन गया खट रहा था ना इसने को पूछा भी ना था मंदिर रहा एक किला गया रोड खत्म है गाड़े बना के छोड़ दिया रात ने बनाया अभी कल रिश पर जाके देख तर कोल तक निपट रहा यार खटारा सरकार अंडे ही सरकार हमारा नाश कर दिया सरकार ने कती किसान सरकार बना ले और साथ जाए माँ भी ना खटान दी सरकार चलावेगा अपनी सरकार बनावाएंगे मुख्यमंत्री बनेंगे भाई अपना देख कर राजा हरियाणा का महाराज भाई सच्ची उदाहरण है उड़न दे कती मौज कर रखी है और वो बनेगा महाराज बालू जीता हमारा गुंडी भाई है वो जीता है महाराज इन्हें तो भाई डी ग्रुप वाले जो लाए थे ना वे वो हटाए दिए फिर पीटीआई पीटीआई इसने पिपड़ी किसान पीट दिए इसने अरे रोज हमने पिटन लाग रहा गिर के मंडी में जाते पड़े पड़े मारे मारे नूंदा मारी फसल का मारा नूंदा मारे माँ बाबू मारे हैं अग्नि और किसान नहीं जो इसकी वोट गिर रहा वो असल बंदे किसान नहीं भाई कती कती किसान नहीं जो इसकी वोट गिर रहा बोनस लेने गई थी उड़ाई पास गए थे चंडीगढ़ जोड़ी करी थी एक रुपया दिया ये इसने कौन सी जो डिवाइन देता ना इसने के उड़न के बन जी सारे उड़न से काट दिया हमारा 4,500 जीरी पे क्या कर दी ना 2,000 पीट दी जीरी 8 नंबर ट्रेन है 8 भाई मेरी सुने मेरी सुने 8 नंबर ट्रेन थी नाला घोषित कर दिया है बिना सर बोला गंदा नाला है इसमें पानी कोने छोड़ दो कलेक्शन है पानी छोड़ दिया इसका बड़ा गुटाड़ इन बरोदा कहना है ना आंदा बरोदा कह बरोदा ने भी नाम देने बेरा कोने बरोदा का अरे उन्होंने का बोला मैं बरोदा जीतूंगा खच्चर है यो आप विरोध कर रहे थे जो ये कह रहे थे भाई उड़ा लूट का खाएगा आप यही कहो
उड्डा लूट के नहीं खा गया हमने, कहते 1600 रुपए जीरी उड्डा राज में भी बेकी है, इतने काम उड्डा राज में इतने इसमें होने लग रहे भाई। लेकिन किसान अपना खुद का माल तो कृष्ण उड्डा का एक्सपायर हो पास जो काम हुए भाई साहब आज थी उड्डे ने 10 साल में भी निकले जो कृष्ण उड्डा एक्सपायर हुए 8 महीने में हो गए। ईसा तो नहीं हो सकता इलेक्शन का लालच में करवाए गए वो ही ना कुछ भी करवा हमने काम तो मतलब काम हुए है भाई साहब इतना इलेक्शन है इतना इलेक्शन है इतना ढूंढ रहे हैं ये सारे मोदी कर इलेक्शन आंदे जाते मदारी मदारी है वो मोदी नहीं है उसने नाश करना रहा है आड़े खट्टर नाश करना रहा है ये मारा कलर काट देंगे करके मैं तो काट दिया थोड़ा बहुत रह रही कती काट देंगे हाँ पिट लाग रहे हैं भाई और पिटे हैं और जय मान लो इन्हें फायदा कर दिया तो फिर क्या करोगे तो 6 साल हो लिए कौन से कर दिया 6 साल में तो इतना उत्साह का था भाई तो 3 महीने दिन का काम होया अच्छा इतने मारा लगा फिर कांग्रेस का बन रहा था हमारा लगा ही नहीं था हम पाकिस्तान के भाई आज पाकिस्तान बराबर रो है नहीं एक आप ये बताओ जी अगर नहीं सरकार अगर ऊपर है अगर कोई निर्दलीय बना है तो क्या उसे लगा विकास नहीं करवाना चाहिए उसका होता ही नहीं फिर क्यों नहीं होता बताओ कारण क्या है नहीं चाहता अगला सरकार नहीं करवाना चाहती क्या जी नहीं अगला नहीं करवाना चाहता नहीं अगला भाई मेरी बात सुने खुद कह रही है सरकार के साथ रहो अच्छा तभी काम होंगे अलगेंगे अगर अलग से पार्टी चुनोगे तो काम ही नहीं होंगे कहाँ से काम होंगे हमारे गांव में जो है ना कांग्रेस का सरपंच है 1 करोड़ का मेरा गांव रेवाड़ा है 1 लाख सरपंच किसी पार्टी का नहीं मानता जगह से जी सुनो और किसी पार्टी का नहीं होता सुनो यार एक तो है तो नहीं डिस्ट्रिक्ट कौन सा है कौन सा कम है कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपका मेरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक ये कहना सोनीपत है अच्छा जी और रेवाड़ा गांव घनी दूर नहीं है तेरे ने उसमें भाई 5 साल में एक रोड नहीं लग गया नहीं आप ये बताइए 5 साल में रोड लग गया आप सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से सरकार है जी सोनीपत से हो आप मैं गांव रेवाड़ा से हूँ रेवाड़ा से तो है लेकिन हल्का कौन सा है आपका हल्का मेरा बरोदा है हल्का बरोदा ही है तो फिर यही तो बात है नहीं हल्का भी तो है नहीं यही बोलो भाई तुम भाई कोई भी काम है अगर बात सुनी यार तुम तो फेल हो भाई तू मंत्री बना दिया एक छोटी बात सुन तू मंत्री बना दिया और सरकार गेले तू सह नहीं तेरे तो तनखा पेंशन मिल जाएगी बाकी और तो कुछ नहीं है क्यों नहीं होते एक बात यार नबू दो मैं तो एक बात मेरे कैसा हूं क्यों एक बात बता भाई साहब जय एक आदमी निर्दलीय आदमी इलेक्शन लड़ा है तो वो कांग्रेस मतलब या खट्टर सरकार है इसका जो कैंडिडेट नहीं है एमएलए नहीं है तो वो हल्का है नहीं वो पाकिस्तान का हमारा कांग्रेस से होता है हमारा विकास करेंगे क्या है 6 साल में हमने तुम मर रहे थे 6 साल तक है यो भाई खट्टर ने खटारा सरकार है नाश करेगी कि मैं तो कर दिया कि मैं करेगी गलत कहानी कहा जी हां जी इनका मानना है कि भाई गवर्नमेंट है यहां पे अपना अस्तित्व नहीं बना रहा हूं मैं एक मिनट भाई साहब 1 मिनट रुकिए विकास कार्य मामला नहीं गए यहां पे सोतेला व्यवहार है इनके साथ में और इलेक्शन आने के बाद में ही यहां ऐसा कुछ होया है अदरवाइज नहीं होने वाला था ऐसा है कि आपकी बात इनकी बात सच हो सकती है लेकिन दूसरी पार्टी ने 10 साल मुख्यमंत्री रहे और उनका नारा था कि रोहतक सोनीपत में रहा और 10 साल में एक ईंट भी वृद्धा हल्के में कांग्रेस सरकार ने नहीं की हाँ। तो आप अंदाजा लगाओ इनने तो रहते हुए कर दी 300 करोड़ रुपए इनकी बात रख तीन सौ करोड़ रुपए इस सरकार ने पिछले 4 महीने में इस विधानसभा क्षेत्र में खर्च कर दिए IMT लगाने की घोषणा कर दी 2 कॉलेज बना दिए 1 यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर दी यूनिवर्सिटी बनेगी ये अपना गाँव में बुटाना में और बिरोदा में और उसमें भैंसवाड़ कला में 2 कॉलेज IMT बनाने की तो आप अंदाजा लगाओ कि इन्होंने तो रहते रहते 6 साल में किए इन्होंने तो इतने ज्यादा विकास कर दिए वो 10 साल चले गए अब आने की कोई उम्मीद नहीं है और यहाँ एक ईंट नहीं लगाई तो आप अंदाजा लगाओ उसके उनके विकास की कौन इंतजार करेगा कोई इंतजार नहीं करेगा अब की बार बड़ौदा में 1000 वोटों से कमल तो खिलेगा ही खिलेगा जजपा भाजपा प्रत्याशी कम से कम 25-30 हजार वोटों से जीतेगा और यहाँ से ये वजीर नरवाल जी ये बताएंगे ये कथुरा गाँव के मैं रणबीर सिंह हूँ एडवोकेट हूँ और ये समझ लो कि आप अंदाजा लगा लो कि बड़ौदा हल्के में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का प्रत्याशी भाई योगेश्वर पहलवान कम से कम 25-30 हजार वोटों से इस हल्के से जीतेंगे दूसरे को वोट देने का कोई कारण नहीं है 4 साल भाजपा का सरकार है विकास वो कर सकते हैं जो आदमी अपोजिशन में बैठेगा पहले दिन ये कहेगा मेरी नहीं चलती मैं विकास नहीं कर सकता ऐसे आदमी को वोट देने का कोई कारण नहीं चोरी करके बेशक कदे जीत जियो उन्हें लकड़े नहीं दिया
एक मिनट खट्टर साहब नुका गया बताओ हमने कनेक्शन हमारा हमारा सरकारी छोरी ऐसा स्कूल है भाई 14 कमरे समाए हमारा रजबाया लकड़िया जड़े हमारा बजरा बिगड़ कति खत्म हो यार दा आज उड़ दान है हमारा आज जाके देखो अरे उनका मेरा कंट्रोल ही लग गया भाई जीत के कगार पर है लेकिन सरकार को आज किसानों का आज किसानों की जो फसल है जीरी की वो मंडी में पिटती जा रही है तो मुख्यमंत्री को ये चाहिए कि कम से कम किसान को धान पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दे और इसकी तुरंत प्रभाव से आज ही शाम को ये घोषणा होनी चाहिए नहीं तो मैं बताता हूँ इलेक्शन में मुकाबला टप रहेगा बीजेपी को कल को सोचना पड़ेगा यदि किसान ही वोटर है किसान ही इलाका है और इसकी कमर टूटती जा रही है बीजेपी के पास 2-3 दिन है और जीत की रोजाना पॉलिसी बनती है किसान के लिए आज ही प्रति क्विंटल 500 रुपए बोनस जिसका धान बिक चुका है उसकी घोषणा हो और जो जीरी बची हुई है वो कम से कम 2900-3000-3500 के रेट में बिके तब इस इलेक्शन में जीत होगी और खुशी के लड्डू बांट पाएंगे तो इसलिए हम तो योगेश्वर भाई जी के साथ हैं और चाहते हैं कि ये जीते और विकास करे ये ना हो कल को ये आवाज़ ना आए कि भाई हम तो विपक्ष के आदमी हैं जीत के काम नहीं कर पाएंगे इलाके को काम चाहिए तो वोट योगेश्वर को दो और योगेश्वर के हाथ मजबूत करो सरकार को भी किसान को मजबूत करना इलाका था हमारा 6 साल सरकार रही आप इसका बारे में कह रहे थे जो स्टेटमेंट दिया गया था कांग्रेस का था भाई पहले आदमी तो फिर अब इसमें चला गया ये पूछो उस पर क्यों चला गया इसके उड़ काम कौन लकड़े इसके उड़ चाली कौन है इसके उड़ पीछे कौन बने ज्यादा आ गया भाई पीछे तो उड़ राज में लग गए बालक सारे पीछे में लग गए थे भाई ये वो दौड़ कपड़िया नहीं हंड है वो पीछे तो बनते नहीं भाई ठीक है वो हंड है बिहार आला ने बिहार आला ने गुजरात आला ने ले लिया मैं अफसर बना रहा है काम में 20 बालक लगे मेरा भाई लगा 10 लाख रुपए में हां 1 रुपया भी लगा ए 10 लाख रुपए में और ये खट्टर कह रहा था वहां मेरी सुनो खट्टर कह रहा था बिल्ला लाठीदार नहीं हुआ हां लाठीदार किसान ने लाठीदार सरकार में पीपल में मार रहा है मेरी सुनो 10 साल का ना 2000 की पेंशन बांधी जा 2000 रुपए लेके बुढ़ापा पेंशन दो नंबर के सामने हो जब तो कोरोना नहीं दिया आ गया बात बता दूं तने कांग्रेस का मेले बनाओ भाई 6 साल से कांग्रेस का मेले है खावा चौथ कड़े कलोई में काम तो जब होगा मेले बनाओ 4 साल है भाई अगर काम कराना है तो यहाँ का विधायक है फूल वाला विधायक बनाना पड़ेगा भाइयों के सरदर्द बनाना पड़ेगा भाई संघ अगर योगी सरदर्द को बनाओगे तो हल्का का विकास होगा ना तो फिर 5-4 साल में ठहरा भी कांग्रेस सरकार दबा अंत करेगी फिर दबा अंत करेगी अगर जब लोग काम उठा आवाज नहीं उठावा सरकार ने सारे दान पीट दिए नहीं पता के गोली खाने का काम अभी सच्ची बताओ गोली खा लिया इसके बाद गोली खाने उड़ा जाते बनी पिटे भाई क्यों पीछे दिए जाते देख ली है अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दियो और ज्यादा शेयर कर दियो मिला नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद वंदे मातरम।